22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बांका के निवर्तमान सांसद सह राजद के स्टार प्रचारक जयप्रकाश नारायण यादव ने मंगलवार को मंगल मूर्ति में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे बिहार में महागठबंधन के पक्ष में आंधी चल रही है। महागठबंधन राज्य की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, वहीं एनडीए गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। सांसद ने कहा कि आज देश में संविधान खतरे में है, गरीब वंचितों की हकमारी की जा रही है। एक ओर सोनिया गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो दूसरी ओर भाजपा और आरएसएस है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जेल में जान का खतरा है। उनके पुत्र तेजस्वी यादव को अपने पिता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। आज बिहार का हर एक नौजवान को लालू बनाना है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वायदा कर केंद्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने युवाओं को ठगने का काम किया। गंगा साफ नहीं हुई, देश में अपराध भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देश का चुनाव आज हो रहा है, महागठबंधन विजय की ओर जो है बढ़ते जा रहा है, और जो तीसरा चरण का चुनाव हो रहा है इसमें भी महागठबंधन ही संपूर्ण सीटों पर बाजी मारेगा। अभी तक जो है एक सीट भी जो है एनडीए को नसीब नहीं हुआ है, और जनता का इतना बड़ा जनसैलाब, इतना बड़ा महागठबंधन को विश्वास और गरीबों के समाज के हर तबकों का ताकत है कि 40 का 40 सीट यूपीए गठबंधन मजबूती से जनता के आशीर्वाद से जीतेगी, और भाजपा का खटिया पटिया खड़ा होगा, और जनादेश का अपमान करने वाली पार्टी जदयू और देश में जो है एनडीए गठबंधन की जो ताकत है उसको समाप्त किया जाएगा। इसलिए देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, हमारा जो ताना बाना है उसको बचाओ, संविधान बचाओ, बाबा साहब का हक बचाओ, यह हमारा अधिकार है। गरीब है, दलित है, शोषित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, प्रोग्रेसिव ताकत है, सबको जोड़ करके जो है हमें आगे बढ़ना है। आज जो है रघुवंश प्रसाद सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, आज जो है श्रीमती नीलम देवी जी चुनाव लड़ रही है। इसलिए हमारा जो है जो सेकुलर कंपार्टमेंट है, जो सोशल जस्टिस का कंपार्टमेंट है, वह इतना मजबूत और जो जनता के आशीर्वाद से आज मजबूती से आगे बढ़ते जा रहा है।